सूर्य नर्सिंग एकेडमी में आप सबका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रीनल फेलियर के बारे में। रीनल फेलियर के दो टाइप पढ़े थे, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। तो एक्यूट रीनल फेलियर हमारा कंप्लीट हो गया था फर्स्ट पार्ट के अंदर। आज हम पार्ट सेकंड लेके आए हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्रोनिक किडनी डिजीज या क्रोनिक रीनल फेलियर। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक क्रोनिक किडनी डिजीज। किसे कहते हैं क्रोनिक रीनल फेलियर या क्रोनिक किडनी डिजीज? तो क्रोनिक रीनल फेलियर को और क्या कहते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज भी कहते हैं, CKD भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इज ए रैपिडली प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। इसमें फास्ट मतलब रैपिडली और प्रोग्रेसिव रीनल के फंक्शन हैं जो लॉस होते हैं, इन विच द बॉडी एबिलिटी टू मेंटेन मेटाबॉलिक एंड फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फेल। इस कंडीशन में बॉडी क्या रहती है कि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट और मेटाबॉलिक को मेंटेन नहीं कर पाती है, फेल रहती है बैलेंस बनाने के अंदर, क्योंकि किडनी क्या नहीं कर पा रही है, किडनी के फंक्शन है जो प्रॉपर नहीं है, किडनी प्रॉपर यूरिन पास आउट नहीं कर रही है, वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर नहीं जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये कंडीशन लंबे टाइम तक रहती है तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, यूरेमिया और एजोटेमिया देखने को मिलता है ए पीरियड ऑफ मंथ और ईयर्स के अंदर। दिस इज ए करेक्टराइज्ड बाय स्लो एंड इरिवर्सिबल इम्पेयरमेंट ऑफ रीनल एक्सक्रेटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन। और इसको क्या कहते हैं, द फाइनल स्टेज ऑफ CKD इज ऑल्सो कॉल्ड ESRD एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं, अगर लास्ट कंडीशन ऑफ फाइनल स्टेज हो CKD की तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी की। तो एटियोलॉजी क्या क्या हो सकती है, कारण क्या क्या हो सकते हैं, डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन, अगर कोई फैमिली में हिस्ट्री है किडनी डिजीज से रिलेटेड, क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोन नेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, नेफ्रोटिक एजेंट, ऑटो इम्यून डिजीज या इंजरी, ट्रोमा या रीनल स्टोन आदि भी क्या कोज कर सकते हैं, रीनल फेलियर या CKD कोज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम हैं जो क्या क्या देखने को मिलते हैं CKD के पेशेंट में। तो मोस्ट कॉमन नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। इसके अलावा ओलिग्यूरिया होगा, एन्यूरिया होगा, मतलब ओलिग्यूरिया 400 ml से कम भी यूरिन हो सकता है, और एन्यूरिया मतलब एब्सेंस भी हो सकता है यूरिन, या 30 ml 24 hour में यूरिन भी पास आउट कर सकता है पेशेंट। क्लाउडी यूरिन, एडिमा, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी पेशेंट को, हेडेक। इसके अलावा एमेनोरिया फीमेल्स के अंदर देखने को मिलता है, चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, मसल्स ट्विस्टिंग और क्रैम्प्स आदि पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज की। तो स्टेज इसमें किस पे डिपेंड करती है, जो ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है उस पे डिपेंड करती है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर कितने रहेगी, 90 और 90 से अबव रहेगा। इसके अलावा सेकंड स्टेज के अंदर क्या रहेगा, सेकंड के अंदर 89 से 60। और थर्ड स्टेज को भी दो पार्ट में बांटा गया है, माइल्ड और मॉडरेट सीवियर, माइल्ड टू मॉडरेट। तो थर्ड ए में क्या रहेगा, 59 to 45। और स्टेज थर्ड बी में क्या रहेगा, मॉडरेट टू सीवियर लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसके अलावा स्टेज फोर्थ जो सीवियर स्टेज होती है, इसके अंदर 29 to 15 ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट रहेगी। और स्टेज फिफ्थ के अंदर क्या होगा कि लेस देन 15, 15 ml से कम यूरिन है जो पास आउट होगा 24 hour के अंदर। नेक्स्ट है नॉर्मल GFR रेट कितनी होती है, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, कितना ब्लड फिल्टर करती है किडनी। तो 180 लीटर पर डे फिल्टर करती है ब्लड, और 125 ml पर मिनट। सॉरी, यहाँ ये है कि स्टेज फिफ्थ के अंदर क्या होगा, लेस देन 15 ml रहेगा GFR रेट है जो, ग्लोमेरुलो फिल्ट्रेशन रेट है जो 15 ml रहेगी, यूरिन नहीं है। नेक्स्ट है, और एक मिनट में कितना करती है, 125 ml पर मिनट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइट्री मैनेजमेंट। तो साल्ट एंड पोटेशियम और फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्टेड डाइट रहेगी,
इसके अलावा लो प्रोटीन, हाई कैलोरी, लिमिटेड फ्लूड रहेगा, 1 लीटर लेना है 24 आवर के अंदर। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन की अगर हम बात करें तो यूरिन एनालिसिस करवाना है। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन लेवल है जो क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। इसके अलावा हाइपरफॉस्फेटेमिया और हाइपरकैलेमिया, हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलता है पेशेंट में। CBC करवाएंगे, CBC में हीमोग्लोबिन मेनली देखते हैं। इसके अलावा WBC देखते हैं, इन्फेक्शन तो नहीं है, और रीनल बायोप्सी, इमेजिंग स्टडीज़ भी करवाते हैं जैसे CT स्कैन है, एक्सरे आदि। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, हाइपरवोलेमिया, शॉक हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, कोमा में जा सकता है पेशेंट, और डेथ भी हो सकती है। डेथ की DEATH आएगा, स्पेलिंग में मिस्टेक है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इसमें डायलिसिस ही बेस्ट मेथड है या फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे अगर पेशेंट का BP इंक्रीज है तो, डायूरेटिक थेरेपी देते हैं। इसके अलावा फीवर है तो एंटीपायरेटिक, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन में एंटी इमेटिक और एंटा एसिड मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को आयरन स्क्रोज के इंजेक्शन भी एडमिनिस्टर किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर सीवियर एनीमिया है पेशेंट को तो EPO लगाया जाता है, एरिथ्रोपोइटिन सबक्यूटेनियस लगाया जाता है जो आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन, एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन भी आता है, ड्रिप आती है वो एडमिनिस्टर की जाती है पेशेंट को। वैसे फ्लूइड है जो कम मात्रा में देना है पेशेंट को, अगर आवश्यकता है तो ही हम एल्ब्यूमिन लगाते हैं, अदरवाइज नहीं लगाते हैं। थेरेपी की अगर हम बात करें तो हीमोडायलिसिस करते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस भी कर सकते हैं, सर्जरी के अंदर किडनी ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है पेशेंट में। हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बाद में हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है, इस वजह से यहाँ इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन असेस करनी है, वाइटल साइन असेस करने होते हैं स्पेशली BP, इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल भी चेक करना है डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले, चेक डेली वेट ऑफ पेशेंट का वेट चेक करना है। इसके अलावा अगर एडिमा है तो एडिमा चेक करना है स्पेशली एंकल पे या फेस पे एडिमा देखने को मिलता है। इनटेक एंड आउटपुट मेंटेन करना है या मॉनिटर करना है, कितना इनटेक ले रहा है पेशेंट और आउटपुट कितना हो रहा है। प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट, स्किन केयर, इसके अलावा हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, मेडिसिन के बारे में बताना है पेशेंट को, डाइट्री मैनेजमेंट के बारे में स्ट्रिक्टली बताना होता है पेशेंट को, और रेगुलर फॉलोअप के लिए एडवाइस करना है। सो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डायलिसिस।